की हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर केस 14 सितंबर 2020 को हाथरस जिला उत्तर प्रदेश राज्य में एक क्राइम किया गया बेटी के साथ। ये संघर्ष करीब सितंबर 2022 में, 2 साल हो गया, अभी फरवरी, आज 1 मार्च है, तो करीब ये 1.25 साल हो चुका है इस क्राइम को हुए। और कल फाइनली इतने संघर्षों के बाद इसमें वर्डिक्ट आएगा। तो एक लाइन में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइन, कि जब मैंने ये केस लिया, मेरे हाथ में ये केस आया, तो लग रहा था कि आसान होगा, शायद दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन दिल्ली में भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। हाथरस में दिल्ली से 250 किलोमीटर सारी डेट पर जाकर के मैंने इस केस को लड़ा है। तो शुरुआत में जो लगा कि पथ की सरलता देखकर दो चार डग जब बढ़ गया, मेरी नज़र के सामने आकर हिमालय अड़ गया, पथ के अथक अभ्यास पर विश्वास बढ़ता ही गया, और उसी विश्वास को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो जजमेंट आने वाला है, कल जो वर्डिक्ट आने वाला है हाथरस केस में, उसमें जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। और जिस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसका मर्डर कर दिया गया, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनके सिस्टम के द्वारा फोर्सफुली रात में 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया था, उस बेटी को कल शायद न्याय मिले। श्रद्धा बाकर का केस भी मैं लड़ रही हूँ, और भी बहुत बेटियों का केस मैं फाइट कर रही हूँ। मेरी कोशिश है मैं सारी बेटियों के लिए खड़ी रहूँ, और मैं ही नहीं, मेरे जैसी हजारों बेटियाँ, मेरे जैसे हजारों युवा साथी, मेरे नए नए जो एंट्रन आ रहे हैं, मैं देखती हूँ इतना एनर्जेटिक मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मेरे जो साथी, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे जूनियर हैं, सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये देश वाकई में युवाओं का देश है, और युवा ही आगे ले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ भी न्याय होगा, और ऐसी हमारी हजारों बेटियाँ, चाहे अंकिता तोमर हो, चाहे श्रद्धा वाकर हो, या दिल्ली में 9 साल की बच्ची गुड़िया हो, या उत्तराखंड की अंकिता हो, किसी भी देश की, किसी भी कोने की कोई भी बेटी हो, वो सुरक्षित होगी, वो जुडिशरी पर भरोसा करेगी। मुझे विश्वास है मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी, कि वो और भी बेटियों के लिए कितना कंफर्टेबल, एडवोकेट्स के लिए, और किस तरीके से चीज़ें हो सकती है प्रोसीजर में जो उनको फेवर करेंगे, ऐसे कानून बनेंगे, ऐसे जजमेंट भी प्रोग्रेसिव आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक लाइन, आजकल मुझे एक कविता बहुत पसंद है, संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं, संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं, जब रात हो काली तो समझो होने वाली है सुबह नहीं। जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अटल रखना होगा, 100 बार गिरो फिर भी उठना, तेरा लक्ष्य भेद सुनिश्चित होगा, तेरा लक्ष्य भेद तभी होगा। अग्निपथ सा है ये जीवन, अग्निपथ सा है ये जीवन, तू निर्भीक निडर होकर चल, तू निर्भीक निडर होकर चल, चरण पखारेगी मंजिल, विजय सुनिश्चित होगी तेरी, विजय सुनिश्चित होगी तेरी। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, कल का इंतजार करें। जिस बेटी को जब रात में लोग जलता हुआ देख रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2:30-3 बजे रात को उसको, उनके प्रशासन ने जब जलाया था, पूरा देश एक तरीके से रो रहा था कि कैसे उस बेटी से, उसके परिवार का अंतिम जो लास्ट रिचुअल से, उनका भी अधिकार छीन लिया था, परिवार का अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया था। सब चाह रहे थे उसमें न्याय हो। एक बेटी थी तनुश्री पांडे, उसने जाकर के वहाँ रिपोर्टिंग 2:30-3 बजे रात को मेरी बेटियाँ कर रही थी, आप लोगों ने देखा, खेतों से भाग भाग करके मेरी बेटियाँ जाकर के इस केस को कवर कर रही थी। मैं भी वहाँ गई थी, एडीएम से लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई डे 1 से शुरू हो गई थी, और अभी
ये मनीषा वाल्मीकि पे खत्म नहीं होने वाली। मेरी उम्मीद है आपके घर की बेटी, मेरे घर की बेटी, मेरे देश की हर बेटी सुरक्षित हो, ऐसा हम प्रण लेते हैं। मेरे सारे भाइयों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ये प्रण लेंगे, चाहे वो बेटी मेरे घर की हो या किसी के घर की, सबको सुरक्षा गारंटी अधिनियम दिलवाएंगे और सबको अपने स्तर पर भी सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।